क्रिकेट के मैदान पे आया सरफराज खान का तूफान। दोस्तों सरफराज खान ने जड़ दिया 13 शतक और खेल डाली 301 रन की नवाद पारी। आप भी देखना चाहते हो सरफराज खान ने कहां पर जड़ा है 13 शतक। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों रणजी ट्रॉफी का एक मुकाबला खेला गया उत्तर प्रदेश और मुंबई टीम के बीच में, जिसमें उत्तर प्रदेश की ओर से उपेंद्र यादव ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए और दोहरा शतक ठोक दिया, जिसके दम पे उत्तर प्रदेश की टीम ने पहली पारी बनाए 625 रन, जो कि बड़ा स्कोर लग रहा था। और मुंबई की टीम के 5 विकेट तो मात्र 128 रन तक आते आते गिर गए थे। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर पे खेलने के लिए आए सरफराज खान ने कमाल कर दिया और सरफराज खान ने देखते ही देखते गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दिया। मैदान पे चौके छक्कों की बरसात कर डाली और 391 गेंदों में 30 चौके और 8 गगनचुम्बी छक्के की मदद से 301 रन की नावाद पारी खेल डाली और 13 शतक भी जड़ दिया। हालांकि ये मैच ड्रॉ रहा। दोस्तों सरफराज खान ने चौके छक्के की मदद से ही 38 गेंदों में कूद डाले थे 168 रन। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या सरफराज खान को इंडिया की टेस्ट टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं।